Good morning, students. Today we start chapter 7, triangles for class 9th standard. In first video, exercise 7.1 will take already. Now we start exercise 7.2. Before 7.1 exercise, we'll take theorems 7.2. Theorem 7.2. Angles opposite to equal sides of it isosceles triangle are equal. Okay, this is very simple. You know very well, isosceles triangle means if any triangle two sides are equal, it is called isosceles triangle. If triangle ABC is an isosceles triangle, two sides equal hai, see, you have to prove angle B and angle C are equal. Kya prove karna hai aapko? Angle B and angle C. So this is given. Theorems are given to prove sab kuch likhna hai aapko. In triangle ABC, AB equals to AC. It is already given. Okay. To prove. जो साइड है उनसे कनेक्टेड एंगल एंगल बी और एंगल सी आपको प्रूव करना है. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. ओके, आपको दो ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल करने पड़ेंगे. दो ट्रायंगल के लिए भी बन मेथड ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी. आपको एडी एल सी ड्रॉ करना है जो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. प्रूफ. इन ट्राइंगल एडी बी एंड ट्राइंगल एडी दो ट्राइंगल आ रहे हैं उनके पॉइंट प्रूफ करना है. एडी एडी इज कॉमन. एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल एडीसी ईच 90 डिग्री एबी इक्वल्स टू एसी गिवन बाय आर्चेस कॉन्वेंसी ट्रायंगल एडीबी congruent triangle ADC by CPCT angle B equals to angle C. Okay, if the triangle congruent hai, we'll take 3 points. ADD is common. Angle ADB equals angle ADC is 90 degree. AB equals to AC. Dhyan se dekhe. First R, right angle. Second hypotenuse or third side, any side. Bar is congruent, triangles are congruent. Okay. कोई जरूरी नहीं है बाइसेक्टर ड्रॉ करें. एंगल बाइसेक्टर ऊपर पढ़ सकते हैं. ड्रॉ बाइसेक्टर एंगल ए है ना, इस तरह पढ़ सकते हैं. या मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. एडी इज मीडियन बाइसेक्ट बीसी, ये भी कर सकते हैं. जैसा भी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट थ्योरम इट्स कन्वर्स. द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. ओके, इस बार क्या दे रखा था आपको? आइसोसेलस ट्रायंगल दे रखा था. अब दे रखा है आपको इन ट्राइंगल एबीसी गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी कोस एंगल सी. दिस इज थ्योरम 7.3. एंगल बी कोस एंगल सी आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एल्टीट्यूड डाल रहा हूं टू प्रूफ. एबी कोसो आपको एबी एसी को प्रूफ करना है. पहले साइड्स इक्वल करते थे, एंगल इक्वल करते थे, अब एंगल इक्वल कर रहे हैं, साइड इक्वल करना है. कंस्ट्रक्शन इज सेम, कंस्ट्रक्शन सेम. प्रूफ प्रूफ क्या होगा? इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी एडी को सो एडी कॉमन. एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए डी सी और
angle B equals to angle C by AAS congruency, triangles are congruent by CPCT, AB equals to AC. सिर्फ कंडीशन कॉन्वेंसी की बदलेगी, बाकी सब कुछ सेम है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. जब भी क्वेश्चन हो उनको ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा. लैंग्वेज पर ध्यान देना, लैंग्वेज इज मस्ट. थ्योरम सॉरी एक्सरसाइज 7.2. First question. In an isosceles angle ABC, AB equals to AC. Okay? The bisector angle B and angle C these are equal. These are also equal. Meet at O. Join E to O. Show that 2. First part OB equals OC. Second part AO bisects angle A means angle 1 equals to angle 2. यह आपको प्रूव करना है. ठीक है, प्रूव. देख ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी AB equals to AC, given AB और AC equal है. जब AB और AC equal है तो एंगल ABC equals to एंगल AC. ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे. एंगल ABC equals to, जब ये दोनों एंगल, जब ये साइड इक्वल है ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया. जब दोनों पूरे एंगल इक्वल है हाफ भी करोगे, हाफ हाफ एंगल एबीसी को हाफ एंगल एसीबी सॉरी, तो इसके हाफ को अपन लिख सकते हैं एंगल 2 और ये एंगल 3. एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3. इन ट्राइंगल ओबीसी फर्स्ट पार्ट प्रो. ओके, फॉर सेकेंड पार्ट दी आर टू ट्राइंगल एओबी एंड एओसी. एओ इक्वल्स टू एओ कॉमन. ओके, ओबी का सोसी प्रूव अबाउट इन फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एबी को सीसी आपको दे रखा है, प्रूव अबाउट. ठीक है, बाय एस 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 कॉन्वेंसी ट्राइंगल एओबी triangle AOC by CPCT angle 1 equals to angle 2. When these triangles are congruent, so angle 1 equals 2, it means AO bisects angle A. Very simple. Question number 2. ABC, in triangle ABC, AD is perpendicular bisector BC. Show that ABC is an isosceles angle.
आप कर चुके हैं ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन कई बार। AD is perpendicular bisector BC, perpendicular भी है, bisector है, median भी हो गया, so that triangle ABC is isosceles triangle, आपको ABC को isosceles triangle प्रूफ करना है, यानी two proof हो गया अपना, AB equals to AC, proof, no need of construction, दो triangle नजर आ रहे हैं आपको, ADB and ADC, ADB एंड ट्राइंगल ए डी ध्यान से देखिए ए डी एडी कॉमन आप एंगल सेम क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल सेम बोल रहे हैं एंगल ए डी बी एडी सी ईच 90 डिग्री ओके और बी डी को सो बी सी बाइसेक्टर ऑफ BC मतलब D is midpoint of BC, BD BD goes to DC, it is also given by SAS congruency triangle ADB congruent triangle ADC by CP CD AB goes to जब ट्रायंगल कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल क्वेश्चन नंबर 3 AB is an isosceles triangle एबी से इसको सिंगल जब पॉइंट्स आपको इक्वल रखे तो मार्क कर लें लिख लें साइड में बेटर रहेगा एबी को सिर्फ एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड एबी ये एल्टीट्यूड्स हैं इक्वल साइड्स के ऊपर सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू प्रूव बी इक्वल टू सी बी एंड सी एफ आर दो ट्राइंगल ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये साइड्स हों तो ट्राइंगल ए ई बी दिख रहा है ए ई बी और ट्राइंगल ए एफ सी इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ए एफ सी एंगल ए इज कॉमन इन बोथ कॉमन बोथ एंगल ए बी एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री एंड थर्ड पॉइंट ए बी इक्वल टू ए सी गिवन बाय इस प्रॉपर्टी ए एस एस कॉन्वेंसी ट्राइंगल ए बी कॉन्वेंट ट्राइंगल ए एफ सी बाय सीपी सी टी बी इक्वल सी एफ थर्ड साइड इक्वल बी इक्वल सी एफ
ध्यान से देखें, जब भी प्रूफ करना हो उससे कनेक्टेड एंगल और साइड लाइन जो आपको दे रखा हो प्रूफ में, सिर्फ वही यूज में लेना है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude B and CF two sides AB and are equal. अभी आपको साइड इक्वल दे रखे थे इन क्वेश्चन नंबर 4, altitude साइड इक्वल आपको दे रखे हैं। Show that triangle AB congruent triangle ACF, जो भी प्रूव किया अपन ने। और सेकंड पार्ट है AB equals to AC, AB equals to AC is an isosceles triangle. ओके, अब लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, मैं नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, उसी को चलाऊंगा। टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए बी कॉन्जुगेट ट्रायंगल ए एफ सी, सेकंड पार्ट ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल साइड आपको दे रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और ए एफ सी एंगल इज कॉमन बोथ। सेकंड एंगल ए बी कॉस एंगल ए एफ सी इज 90 डिग्री, इट इज आल्सो गिवन। थर्ड पॉइंट बदलेंगे अपन, क्योंकि आपको यही देखा क्या देखा है इस बार बी कॉस सी एफ ई के बाद बाय ए एस कॉन्वेंस सी ट्रायंगल सब कॉन्वेंस ट्रायंगल का कॉन्वेंस बाय सी बी सी टी फर्स्ट पार्ट हो गया अपना बाय सीपीटी ए बी इक्वल्स टू। आपने देखा दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा बदलते हैं, कंफ्यूज ज्यादा वो नहीं होना आपको। सिर्फ पॉइंट्स देखें और उसके अकॉर्डिंग करते रहें। क्या चीज हुआ इसमें, दिस पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट इज कॉमन, सिर्फ बी इक्वल्स टू सी एफ बदला, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी एफ प्रूव करना है आपको। दे रखा था बी इक्वल्स टू सी एफ, ई इक्वल ले लिया और बाकी बाय सीपीटी ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्वीट क्वेश्चन, दीज आर इक्वल, दीज आर ऑल्सो इक्वल ए बी सी डी। टू प्रूफ एंगल ए बी डी एंगल ए सी। ओके, क्वेश्चन में इक्वल मार्क करके देख पता लगी है वो ए बी सी एक्सिस एंगल, ए बी एंड ए सी इक्वल, बी बी सी एक्सिस एंगल, बी बी इक्वल डी सी आपको देता है। ओके, अब दो तीन दो तरीके हैं करने के। ए बी सी एक्सिस एंगल, so angle this equals this number one, the isosceles angle this equals this number two, adding one and two ऐसे भी कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। join A to B, A to B, AD कॉमन है, join करो। proof, in triangle ABD एंड ट्राइंगल ए सी डी, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको ए बी डी और ए सी डी। मैं समझाने के लिए बीच वाली लाइन हटा रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, ये लाइन में हटा, अब दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको ए बी डी और ए सी डी। फर्स्ट पॉइंट ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिस इज के बाद बी डी इक्वल्स टू डी, दिस इज ऑल्सो के बाद, और ए डी इक्वल्स टू ए डी बाय एस 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 कॉन्वेंसी ट्राइंगल एबीडी कॉन्गेन ट्राइंगल एसटीडी बाय सीपीसीटी एंगल एबीडी को एंगल एसटीडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
ABC and isosceles angle. With AB equals to AC, I would mark it here. Side BA is produced. Then that AD goes to AB. We are up to now. Confusion now. AD को से भी देखा है, so that to prove AD को सो AB sorry BCD एंगल BCD इज 90, ये आपको प्रूफ करना है. ध्यान से देखें, इसमें दो आइसोसेल्स एंगल दे रखे हैं आपको, इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC, this is given. So, angle 1 equals to angle 2. Property मालूम है, equal side surface, equal angles. In triangle ACD, AC equals to AD because AC equals to AB and AB equals to AD. ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल भी है, दोनों क्या होगा इक्वल. सो ये एंगल 3, ये एंगल 4. एंगल 3 को एंगल 4 नंबर 2 प्रॉपर्टी सेम, इक्वल साइड सब फ्रेंड्स, इक्वल एंगल. जब भी ऐसे कुछ एंगल हो साइड इक्वल होंगी, एंगल भी डेफिनेटली इक्वल होंगे. इन ट्रायंगल ए BCD. In triangle BCD, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is 180. You know sum of 3 angles of triangle 180. अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं. दो एंगल, तीन एंगल हो गए. B, ये C के दो पार्ट हो गए. 4, 3 और 4 by 180. Your requirement is angle BCD. ये आपकी requirement है. तो आपको सिर्फ need है angle 2 और 3 का. Your requirement is only angle 2 and 3. 1 and 4 are removed. 1 equals to 2. Angle 1 को 2 लिख देंगे. Angle 4 is replaced by angle 3. दोनों double हो गए. Angle 2 plus angle 3. नीचे आ गया, 90 हो गया और 2 प्लस 3 हो गया एंगल बीसीडी. एंगल बीसीडी इज 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7. एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल इज 90 डिग्री. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. AB is right angle at A. A, B, or C. Right angle at A. Okay. AB equals to AC. यह आपको equal दे रखे हैं. Find angle B and angle C. To find. जब भी numerical part हो, क्या लिखेंगे? To find angle B and angle C. ठीक है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है आपको. प्रूफ, नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन. इन ट्रायंगल ए बी सी
in triangle ABC, AB equals to AC. So angle B equals to angle C, property मालूम है, equal sides of triangles, equal angles in triangle. हमेशा property जरूर सामने लिखना है, याद भी रहे property आपको बार बार repeat होगी, तो revise भी easy हो जाएगा. Angle B equals to angle C, okay. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180. You know sum of three angles of triangle 180. Angle A is 90. Angle B, angle C and B are equal, so angle C replaced by angle B. आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका. Twice of angle B, 90 जब राइट में गया, 180 माइनस 90 इज 90. Angle B is 30. When angle B is 40 degrees, so angle C is also 45 degrees. This is simple. Question number 8. Okay, diagram is same almost. डायग्राम क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम है. सॉरी. सो दैट एन इक्वल ट्रायंगल आर 60 डिग्री. आपको इक्वल ट्रायंगल दे रखा है. यू नो इक्वल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल. तीनों साइड आपको इक्वल दे रखी है. टू फाइंड एंगल ए, angle B, angle C, to prove, I think, to prove, 60 degrees, are angle of 60 to prove, prove, in triangle ABC, AB equals to AC, this is given, so, angle B equals to angle C. Number, angle B and angle C are equal. Same triangle. AB equals to AC, so AB or BC is also equal, eh? Because all the sides are equal. So AB and BC are equal, so angle A equals to angle C. Number 2, by 1 and 2, angle A equals to angle B equals to angle C equals to X. Suppose. आपने इनको सपोज कर लिया, ये एंगल एबीसी आर इक्वल, दिस इज एक्स. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180. यू नो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. एंगल इज एक्स, बी इज एक्स, सी इज एक्स, दिस इज 180. थ्री एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 अपॉन 3, दिस इज 60 डिग्री. सो एंगल ए equals to angle B equals to angle C is 60. ओके, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं. यदि कोई प्रॉब्लम है आप ये कमेंट्स करें और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. कोई प्रॉब्लम हो प्लीज सब्सक्राइब. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें. थैंक यू सो मच.